धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप धन्यवाद के लिए और आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसी के द्वारा हमें आपने छुटकारे की आशीष दी है और प्रभु हमें पवित्र आत्मा देकर उद्धार के जीवन में हमारी अगुवाई का इंतजाम किया है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे जीवन में उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसके स्वभाव उसका स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट हो ताकि हम उसके सदृश प्रकट हो और आपकी सारी महिमा आपको इस प्रार्थना को आपके करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वर्ड ऑफ गॉड पार्ट टू के लिए। द ओल्ड टेस्टमेंट इज द फाउंडेशन, द न्यू टेस्टमेंट इज द सुपर स्ट्रक्चर। ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। अ फाउंडेशन इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस अ बिल्डिंग बी बिल्ट अपॉन इट। अ बिल्डिंग इज इम्पॉसिबल अनलेस देयर बी अ फाउंडेशन। यानी अगर फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती है, और अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो फाउंडेशन का होना ज़रूरी है। और ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो फाउंडेशन है न्यू टेस्टमेंट का। इसीलिए सो द ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट आर एसेंशियल टू वन अनदर। ये दोनों टेस्टमेंट ज़रूरी है। कई बार हम लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट में चले जाएंगे और ऐसी मानसिकता में चले जाएंगे, हम कहेंगे कि ये वाला टेस्टमेंट सही नहीं है, ये है, या ये था तो फिर ये क्यों है। ये दोनों ही ज़रूरी है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आगे बढ़ेंगे। द न्यू इज इन द ओल्ड कंटेंट। कंटेंट का मतलब हाँ, न्यू टेस्टमेंट इज इन द ओल्ड टेस्टमेंट, यानी नया नियम जो है पुराने नियम में है। और लिखा है द ओल्ड इज इन द न्यू एक्सप्लेन, और पुराना नियम जो है वो नए नियम में एक्सप्लेन किया गया। उस अगर आपको पुराना नियम, आप खाली पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। रीजन, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो न्यू टेस्टमेंट में है। इसीलिए लिखा गया है कि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पे वो पर्दा पड़ा हुआ है और वो पर्दा मसीह में होता है। तो न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट, तो मसीह में वो पर्दा उठेगा तभी वो एक्सप्लेन होगा। द न्यू इज इन द ओल्ड लेटेंट, यानी नया नियम पुराने नियम में गुप्त है। लेटेंट का मतलब कंसील्ड है उसके अंदर, लेकिन दिखता नहीं है। द ओल्ड इज इन द न्यू पेटेंट, और पुराना नियम नए नियम में प्रकट, पेटेंट यानी प्रकट है। ठीक है। रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज रिटन ट्रुथ विच टेस्टिफाई द लिविंग ट्रुथ मीन्स जीसस क्राइस्ट। यमुना रचित सुषमाचार 5 अध्याय का 39 और 40 पद पढ़िए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। तुम, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि तुम पवित्र, ये किनसे बोल रहा है? जो पुराने नियम के शास्त्री थे, शास्त्र के जानने वाले थे, ओल्ड टेस्टमेंट 39 बुक्स उसको स्टडी करने वाले, उसको जानने वाले, उसको समझने वाले लोग, उन्हीं से कह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम ये समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। और ये वही है, और ये वही है कौन? पुराना नियम। ये वही है जो मेरी गवाही देता है, जो मेरी गवाही देता है। पुराना नियम किसकी गवाही देता है? यीशु मसीह की गवाही देता है। तो पुराने नियम का सेंटर पॉइंट क्या है? जीसस क्राइस्ट। ठीक। तो कभी भी आप झूठी शिक्षा में नहीं फंसेंगे अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ये मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि आप पवित्र शास्त्र को जान जाते हैं, और अगर आप यीशु मसीह की शरण में नहीं जाते हैं तो भी आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर परमेश्वर के वचन का बहुत नॉलेज भी है आपको और आप मसीह में नहीं हैं, तो आपको अनंत जीवन किसी कीमत पे नहीं मिलेगा और कोई दूसरा और रास्ता नहीं है कि आपको अनंत जीवन मिले। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, You search and investigate and pore over the scriptures diligently because you suppose and trust that you have eternal life। यानी तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर के रिटन वर्ड को स्टडी करने से अनंत जीवन मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। आपको इसकी स्टडी करने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें जब हम इसको अध्ययन करते हैं, पुराने नियम को अध्ययन करते हैं, तो हमको मसीह मिलता है। और अगर पुराने नियम के अध्ययन से हमको मसीह नहीं मिला तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। नॉलेज मिलेगी आपको लेकिन मसीह नहीं मिलेगा। अब लोग इसका अध्ययन करते हैं, उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो उन्हें मसीह मिलता है जो उद्धार करता है, और या उन्हें नॉलेज मिलती है। ज़्यादातर लोगों के पास क्या है, नॉलेज है, मसीह नहीं है, और मसीह नहीं है इसलिए उद्धार भी नहीं है। तो हमें पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में कभी नहीं दिखाई देंगे। जी, थ्रू देम And these very scriptures testify about Jesus Christ। Testify का मतलब होता है यीशु मसीह के विषय में गवाही देने वाला, और ये genuine गवाही देने वाले। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में खड़े होकर गवाही देता है, एक मनुष्य आज का, वो गवाही इतनी genuine नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम जब गवाही देता है, That is tried and tested। क्योंकि पुराना नियम को बोला गया है written truth, वो लिखित सत्य है, और सत्य living truth की गवाही देता है, जीवित सत्य की गवाही देता है। जी, and still you are not willing but refuse to come to me so that you might have life। यानी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो कि तुम्हें अनंत जीवन में दूँ। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड टेस्टमेंट की स्टडी से आपको यीशु मसीह की गवाही मिल सकती है। अगर आपको यीशु मसीह पर भरोसा नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है और केवल वही है, ये कैसे संभव है, तो आप पुराने नियम में जाकर इस चीज़ का अध्ययन करके ये सत्य पता कर सकते हैं। इसलिए रिटन वर्ड जो है वो स्टडी के लिए दिया गया है, ये हमारी और आपकी जानकारी पक्की हो, मजबूत हो, ताकि हमारा विश्वास उस पर मजबूत हो। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 14 अध्याय का 6 पद पढ़िए। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये देखिए, परमेश्वर का लिखित वचन सत्य की गवाही दे रहा है, और यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं सत्य हूँ। यीशु मसीह सत्य है, वही सत्य है जिसके विषय में पुराना नियम गवाही देता है। इंग्लिश, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास इसका मतलब ये भी बात सत्य है कि बिना सत्य के द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, और सत्य कौन है? यीशु मसीह। ट्रुथ इज अ नाउन, ट्रुथ इज ऑलवेज अ पर्सन। जी, इंग्लिश, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life no one comes to the father except by and through me। जी, इंग्लिश में फिर हिंदी में आ जाइए, 17 अध्याय के 17 पद पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु मसीह महायाज की प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, सत्य गवाही भी देता है, लिखित सत्य गवाही देता है, और जीवित सत्य जो है वो हमें जीवन देता है। फिर उसके बाद सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य हमें पवित्र करता है, कौन सा? लिविंग ट्रुथ, जीसस क्राइस्ट।
तो यानी यीशु मसीह वो जीवित सत्य है जिसकी शरण में हम जाते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसके बाद द लॉ इज द ट्रुथ, जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ एंड लॉ इज ऑल्सो द ट्रुथ, इसको भी समझना है। भजन संहिता 119 अध्याय का 151 पद, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाएं भी सत्य हैं। जी इंग्लिश, यू आर नियर ओ लॉर्ड नियरर टू मी than my foes and all your commandments are truth. All your commandments are truth. तेरा सारा वचन, तेरा सारे आज्ञाएं सत्य हैं। इसमें आगे एक रेफरेंस दिया होगा, जॉन 17:17 दिया है कि नहीं दिया? इसमें नहीं दिया है। तो इसके बाद 142 पढ़ दीजिए। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। इंग्लिश, योर राइचियसनेस इज एन एवरलास्टिंग राइचियसनेस एंड योर लॉ इज ट्रुथ। इसमें दिया होगा यमुना 17:17 का रेफरेंस दिया है। इसका मतलब वहां पर इस बात की बात कर रहा था, परमेश्वर की धार्मिकता की और परमेश्वर के आज्ञाओं की। ये दोनों चीजें सत्य हैं और इटर्निटी टू इटर्निटी हैं। परमेश्वर की धार्मिकता जो है सदा की है और इसी के विषय में यीशु मसीह वहां पर बोल रहा था। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17-21 पद पढ़िए। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना इसका मतलब व्यवस्था में दो चीजें आपको जरूर मिलती है, एक ज्ञान और दूसरा सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं। बस यही तो प्रॉब्लम थी ओल्ड टेस्टमेंट में, जो लॉ के टीचर्स थे वो दूसरों को दोषी जरूर ठहराते थे लेकिन कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते थे, अपने आप को कभी भी नहीं चेक करते थे। वो हमेशा दूसरों को कि तुम ये हो, तुमने ये किया, तुमने ऐसे किया, वो अपने आप को बस दूध का धुला, बाकी दुनिया के सब लोग दोषी। तो ये दोष भावना से भर गए थे क्योंकि ये लोग केवल लोगों के दोष देखते थे, इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। जी, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है। बस इंग्लिश में आ जाइए। But if you bear the name of a Jew and rely upon the law and pride yourselves in God and your relationship to him and know and understand his will and discerningly approve the better things and have a sense of what is vital
of what is vital because you are instructed by the law and if you are confident that you yourself are a guide to the blind and the light to those who are in darkness and that you are a corrector यानि करेक्ट करने वाला दूसरों में सुधार करने वाला करेक्टर ऑफ द फूलिश अ टीचर ऑफ द चाइल्डिश हैविंग इन द लॉ द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ वेल देन यू हु टीच अदर्स डू यू नॉट टीच योरसेल्फ व्हाइल यू टीच अगेंस्ट While you teach against stealing, do you steal? Take what does not really belong to you. Yes. Take what does not really really belongs to you. यानी जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम ले लेते हो ये चोरी है अब यानी दूसरों की चीजों को बड़े प्यार से ले लेना ठीक है बच्चों को फुसला के लिया जा सकता है ना समझ व्यक्ति से भी फुसला के लिया जा सकता है डरा के लिया जा सकता है ये इस विषय में बात की जा रही है और ये इस प्रकार की टीचिंग भी चलती थी इस प्रकार के टीचर्स होते थे लॉ टीचर्स ऐसा करते थे और इसीलिए यहाँ पर ये बात रखी गई है नए नियम में खुलासा है ये इसके बाद हम आते हैं द रिटन वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस द ट्रू नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 से 5 हिंदी में फिर इंग्लिश में क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप व्यवस्था में क्या है व्यवस्था में आने वाली चीजों की परछाई है लेकिन असली नहीं है यानी रियलिटी नहीं है लेकिन ये जरूर है व्यवस्था आपको ये जरूर बताती है कि आपको छुटकारा मिल सकता है आप पर अनुग्रह हो सकता है व्यवस्था का मेन काम है कन्विक्ट करना दोषी ठहराना व्यवस्था आपको जब आप कानून में जाते हैं जब आप कोई अपराध करते हैं आप पे धाराएं लगती हैं वो धाराएं आप पर दोष लगाया गया ना तो धाराएं क्या है वो दोष है और वो दोष चैलेंज किया जाता है कोर्ट में वहां पर सारी प्रोसीडिंग के बाद ये बात वहां पे जज निर्णय करता है कि आप वाकई में दोषी हैं या आप पर केवल आरोप लगे तो देखिए दो फेजेस होते हैं जब किसी को पुलिस पकड़ती है तो वो आरोपी होता है दोषी नहीं होता है लेकिन जब कानून में वो जाता है प्रोसीडिंग के बाद जब जज उसको लिखता जजमेंट जज लिखता है और जब उसको कन्विक्ट करता है जज और कहता है उस पर दोषी करार देता है तो वो दोषी हो जाता है और वहां पर फिर दो दशाएं होती हैं आरोपी के साथ या तो वो दोषी करार होगा या वो अक्विट हो जाएगा यानी वो बरी हो जाएगा अक्विटेड हो जाता बरी हो गए तो आप जब आरोपी हैं आरोप तय हो गया आप सब पर परमेश्वर की व्यवस्था हम पर आरोप लगाती है ठीक और ये आरोप हमारे जीवन में हमको साबित करके दिखाना होता है कि ये आरोप जो हमारे ऊपर लगा है ये आरोप हमारा ये यीशु मसीह क्या करता मालूम हमें इस आरोप से हमें आरोपी से अक्विटल की ओर ले जाता है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट लेकिन अगर हम फिजिकल लाइफ जीते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसकी शरण में आने के बाद तो हम सीधे सीधे दोषी वाली साइड चले जाते हैं हम दोषी करार हो जाते हैं इसीलिए परमेश्वर का जो न्याय है वो व्यवस्था तो हमको दे दी गई उसके अकॉर्डिंग आरोपी हैं लेकिन जो न्याय होगा वो सुसमाचार के आधार पर होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल गॉस्पल में आपको चांस दिया जा रहा है ये आज का नियम है यही नया नियम है कि आप पर आपको किसी ने कह दिया इन्होंने ये कर दिया और सबने मिल के मार दिया बिना ये बात का पता लगाए कि वाकई में इसने किया है कि नहीं किया ये थी पुरानी व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में कानून का कोई वो नहीं था बस आपने दो आपको चार लोगों ने खड़े होकर गवाही दी कि इसने ये किया मार दिया सजा दे दी
ये सजा पहले गवाहों के आधार पर होती थी, यीशु मसीह ने आकर इसको चेंज किया। नया नियम ये है कि अब सजा तुरंत नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको मौका दिया जाएगा अपने आप को साबित करने का। दिस इज द न्यू टेस्टामेंट। अब बताइए पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि नहीं मान रही, लेकिन फिर भी लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे जिसने इस परंपरा की शुरुआत की। दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम जी। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार में शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। कैसे? बलिदान जब चढ़ जाए, जितनी बार आप बलिदान चढ़ा रहे हैं फिजिकली, उतनी बार ये स्मरण हो रहा है कि अभी आप पापी हैं जी, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। इंग्लिश हाँ, ओम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में। पवित्र शास्त्र का मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह फिर कह रहा है कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ। रिटन वर्ड की ओर ले जा रहा है यीशु मसीह, रिटन वर्ड की ओर तुरंत भेज रहा है कि वहां पर लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। यीशु मसीह किसके लिए आया था? परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने की। और परमेश्वर पिता की इच्छा क्या थी? कि मानव जाति का उद्धार हो जाए, हम पाप मुक्त जीवन व्यतीत करें, पाप के स्वभाव से छूट जाए। ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी। यीशु मसीह हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। तो प्रेम हमसे किसने किया? पिता ने किया। इसीलिए कहते हैं कि पिता ने हम जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। पुत्र दिया किसने? और पुत्र ने पिता से ऐसा प्रेम किया कि उसकी इच्छा को पूरा किया। तो यीशु मसीह किससे प्यार करता है? पिता से। और पिता किससे प्यार करता है? अब ये बताइए कि कितनी बड़ी बात है कि पिता हमसे प्यार कर रहा है कि हम पापी हैं, और यीशु मसीह से कम प्यार कर रहा है इसलिए क्योंकि यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर रहा है। इसका दूसरा रूप ये है कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। एक सिद्ध बलिदान था जो परमेश्वर को स्वयं करना था, वो उसका पुत्र ही कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में उत्पन्न किया। ये काम एक मनुष्य को करना था, वो भी सिद्ध मनुष्य, और वो सिद्ध मनुष्य कौन था? यीशु मसीह। इसलिए बिना सिद्ध मनुष्य यानी बिना यीशु मसीह के ये संभव नहीं। और इसमें आप जो सर्किट बनती है, वो सर्किट ये बनती है कि पिता ने हमसे प्यार किया, पुत्र ने पिता से प्यार किया, पिता ने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान, और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। सब काम विलिंगली हो रहा कि नहीं? केवल इसमें हमारा वाला पार्ट जो आता है, यहाँ पे विलिंगनेस नहीं। हम उस उद्धार को नहीं लेना मांगते, हम उस बलिदान पर विश्वास नहीं करना मांगते, हम पिता के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, और हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने अपने पिता के इच्छा पूरा करने के लिए हमारे वश में किया, उसे अंडरस्टैंड नहीं। इसलिए हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For since the law has merely a rude outline, a merely a rude outline foreshadowing of
good things, foreshadowing of good things to come, यानी व्यवस्था में आने वाली अच्छी चीजों की झलक मिलती है, लेकिन उसका असली स्वरूप नहीं है. To come, instead of fully expressing those things, it can never by offering the same sacrifices continually year after year make perfect those who approach its altars. For if it were otherwise, would these sacrifices not have stopped being offered? Since the worshippers had once for all being cleansed, they would no longer have any guilt or consciousness of sin. But as it is, these sacrifices annually bring a fresh remembrance of sin to be atoned for because the blood of bulls and goats is powerless to take sins away. Hence, when he Christ entered into the world, he said, sacrifices and offerings you have not desired, but instead you have made ready a body for me to offer in burnt offerings and sin offering you have taken no delight. Then I said, behold, here I am, coming to do your will, O God, to fulfill what is written of me in the volume of the book, the Old Testament. ठीक, यीशु मसीह के विषय में पुराना नियम पूरा उसी के विषय में भरा हुआ है. लोग पुराने नियम में आज पता नहीं क्या देख रहे हैं. वो यीशु मसीह की गवाही भी दे रहा है और यीशु मसीह खुद बता रहा है, तुम वहाँ जाके देखो. लेकिन वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था वहाँ पे रखी है और व्यवस्था हमको क्या करती है, वो हमें क्या बताती है. अब हम देखते हैं नई लाइन. लॉ इज जस्ट लाइक अ मिरर ऑफ आवर हार्ट विच शोज अस वी आर सिनर्स. व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था, परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो आईना है, हमारी आत्मा का आईना, हमारे हृदय का आईना, हमारे विचारों का आईना, हमारे इंटेंशंस का आईना, हमारे उद्देश्य जो हमारे अंदर भरे उनका आईना है. जब हम इस आईने को देखते हैं, अगर आप पुराने नियम में जाते हैं और आप आईने को देखते हैं तो आपको वहाँ क्या दिखाई देना चाहिए और आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं? नॉलेज. और हम बन गए बॉस, अंधों का अगुआ है, अपने से निर्भरों को जो नहीं जानता व्यवस्था के बारे में. नॉलेज आ गई ना, नॉलेज जो है वो ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है. अब हम घमंडी हो गए, हम बॉस, मेरी बात मानो, हम हुक्म देंगे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा. इस टाइप की जो मानसिकता आई वो इसलिए आई क्योंकि गलत ढंग से आप रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, गलत नजरिए से आप व्यवस्था में जाएंगे तो आपको जिस मकसद से उसे रखा गया वो मकसद पूरा नहीं होगा. इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में भी हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. इसके पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय 5-10 तक पढ़िए. आज्ञा का सारांश, आज्ञा यानी आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो. क्या चीज पैदा हो? प्रेम. जब हम व्यवस्था में जाते हैं तो व्यवस्था में जाने के बाद हमें घमंड क्यों आ जाता है? क्योंकि हमें नॉलेज, हम वहां से नॉलेज ले रहे हैं, है ना. नॉलेज इज ऑल्सो अ लाइट, हाँ, ट्रुथ तो है ही, और वो ट्रुथ भी है
तो हम उस ट्रू नॉलेज को लेकर घमंड कर रहे हैं हमारे बराबर कोई नहीं, और हम अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं, अरे हमको तो आता, हम तो व्यवस्थापक है जी। इनको छोड़कर कितने लोग यानी मैक्सिमम लोग भगवान की ओर भटक गए, भटके कि नहीं भटके, भटक गए ना, फॉल्स टीचिंग ऐसे ही निकलती जी। और व्यवस्थापक तो यानी व्यवस्था के टीचर्स बनना चाहते, व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं, ले खुद नहीं समझते हैं लेकिन प्रीच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, दृढ़ता से बोल रहे हैं जी। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, व्यवस्था किसके लिए नहीं है, धर्मी जन के लिए। ये लोग व्यवस्था से अपने आप को धर्मी घोषित कर रहे हैं जबकि व्यवस्था धर्मी जन के लिए है ये नहीं। ये बताइए कि कानून में जो धाराएं हैं वो अपराधियों के लिए है क्या अच्छे लोगों के लिए, तो फिर व्यवस्था कैसे धर्मी लोगों के लिए हो सकती है? व्यवस्था मतलब लॉ किसके लिए? जब आप कानून तोड़ते हैं तो आप दोषी ठहरते हैं कि नहीं ठहरते हैं? तो कानून आपके कब काम आता है? जब आप दोष यानी जब आप गलती करते हैं तभी तो आप कानून में दोषी ठहरते हैं। तो कानून होता किसके लिए? दोषियों के लिए, लेकिन दिया नागरिकों को जाता है क्यों? हाँ, ताकि उन्हें ये मालूम रहे कि ये हमारी बाउंड्री है, ये क्रॉस की तो पनिशमेंट। ठीक, तो लॉ ऑफ गॉड हर एक को उसका दायरा मालूम होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी, कि आप बहुत धर्मी मत बनो, आप एक इंसान हो, एक अच्छे इंसान बनो। कानून हमें ये, परमेश्वर का कानून हमें यही बताता है, तुम परमेश्वर को कितना जानते हो इस बात पे घमंड करना। अब परमेश्वर को कोई नहीं जानता और धर्म के काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो व्यवस्था को मानते हैं जी। यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो व्यवस्था भली है जी। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए, सबसे पहले किसके लिए? अधर्मियों के लिए है। और जो लोग व्यवस्था को मान रहे वो क्या है? प्रूफ है, आप पवित्र आत्मा का चश्मा पहनेंगे आपको सब दिखाई देगा जी। निरंकुशो, भक्तिहीनो, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों के लिए, माँ बाप के घात करने वालों के लिए, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। किसके लिए ठहराई गई व्यवस्था? ये पूरी लिस्ट है, देख लीजिएगा। और इस लिस्ट में हम कहां पर हैं ये भी देखिएगा जी। हो गया इंग्लिश। Whereas the object and purpose of our instructions and charge is love which springs from a pure heart and a good clear conscience and sincere unfeigned faith. But certain individuals have missed the mark on this very matter. एक मिनट यहाँ पर रुकिएगा, missed the mark। आपको मालूम है पाप की परिभाषा क्या है? Missed the mark। According to the New Testament, missed the mark। जो निशाने से चूक जाए, यही पाप। जी, missed the mark on this very matter and have wandered away into vain arguments and
discussions and purposeless talk they are ambitious to be doctors of the law teachers of the mosaic ritual but they have no understanding either of the words and terms they used or of the subjects about which they make such dogmatic assertions. Now we recognize and know that the law is good if anyone uses it lawfully for the purpose for which it was designed knowing and understanding this that the law is not enacted for the righteous the upright and just who are in right standing with God but for the lawless and unruly for the ungodly and sinful for the irrelevant and profane for those who strike and beat and even murder fathers and strike and beat and even murder mothers for manslayers for impure and immoral persons those who abuse themselves with men kidnappers liars perjurers and whatever else is opposed to wholesome teaching and sound doctrine इन सब लोगों के लिए व्यवस्था ठहराई गई है। ये व्यवस्था करती क्या है? अब हमको ये भी देखना है। The law is when anyone believe in Jesus Christ। जब कोई व्यक्ति, देखिए, व्यवस्था तो दोष लगाने का काम कर रही है। ठीक, हमें दोषी ठहरा दिया। व्यवस्था हमें दोषी ठहरा दिया। यीशु मसीह हमको क्या करता है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसकी दशा में यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया था। हम पापी हैं, व्यवस्था ने हमको बता दिया कि तुम पापी हो, व्यवस्था ने बता दिया कि तुम दोषी हो, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो और तुम जो कुछ भी जीवन जैसा भी बिता रहे हो सब परमेश्वर की व्यवस्था के परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बिता रहे हो। ये तो क्लियर हो गया व्यवस्था से। तो व्यवस्था ने हमको आईना दिखा दिया। अब हमारा काम क्या है? अब एक बात बताइए, मिरर जो है वो आपको सिर्फ शो कर सकता है, लेकिन हम खुद कर नहीं सकते। कानून के दायरे में बंद, कानून ने हमको आरोपी ठहरा दिया। ठीक, और अगर आप देखिए कि उसने हमको दोषी ठहरा दिया, एक बार मान लिया उसने हम पर दोष लगा कि ये तुम गलत तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी गलत है, तुम्हारा स्वभाव गलत है, तुम गलत 100%। अब हम किसके पास जाए? हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। एक स्त्री व्याभिचार में रेड हैंडेड पकड़ी गई, उसको यीशु मसीह के पास लाया गया। जो लोग लाए थे दे नो द लॉ वेरी वेल, लॉ ऑफ मोसेस। ठीक, उन लोगों ने यीशु मसीह को बताया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस ये लिखा हुआ है कि इसको पत्थरवा करके मार। पहली बात तो ये कि वो लोग यीशु मसीह के पास क्यों लेकर आए थे जबकि वो लॉ के अकॉर्डिंग जो करना था वो कर सकते थे, क्यों लाए? कोई तो ऐसी यानी चीज़ थी यीशु मसीह में कि उन्होंने यीशु मसीह को भले ये इस बात के लिए कि इसको फंसाएं कि ये इस विषय में व्यवस्था के अकॉर्डिंग बोलता है या व्यवस्था के अगेंस्ट बोलता है, यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए उसके सामने ये मैटर लाया गया, क्योंकि वो यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे कि कोई ये गलत निर्णय करे, कोई गलत बात बोले, किसी तरीके से ये कोई गलती करे। देखिए, आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं आपकी जिंदगी में, तो आप निर्दोष हैं। जब आप कुछ करते हैं तभी पता चलता है इंटेंशन, किस इंटेंशन से किया, किस तरीके से किया, किस आधार पे किया।
ये सारी चीजें खुल के आती है जब आप कुछ करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि लोग कुछ करें। जब आप करेंगे तभी ये पता चलेगा कि आप सही किया आपने कि गलत किया। यीशु मसीह के पास वो लेकर आए थे, रॉन्ग इंटेंशन से लाए थे उसको फंसाने के, कि अगर इसने इसको बचाने की कोशिश की तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस इसको भी हम लोग अटैक करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनके आगे व्यवस्था की एक बात रख दी, और उसने एज ए जज नहीं रखी, एज एन एडवोकेट रखी, क्योंकि यीशु मसीह उस स्त्री का एडवोकेट बन के बात कर रहा था, नॉट एज एन जज। वो न्यायी बन के बात नहीं कर रहा था, वो एक वकील बन के बात कर रहा था। हमने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ऐसे एक्सेप्ट किया, ही इज द ग्रेट जज इन द वर्ल्ड। उसने कहा जो कोई जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। ये तो बात उसने बोली थी न्यूट्रलाइज करने, क्योंकि वो जानता था कि इन लोग लॉ के जानने वाले हैं और सबके अंदर विवेक है और सबको ये बात मालूम है कि हम दोषी हैं, हम पापी हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो सब वहाँ से चले गए, छोटे से लेकर बड़े तक सब चले गए। इसके बाद वो स्त्री अकेली रह गई। लेकिन इससे पहले एक और सीन आता है, जब वो लोग पत्थर लिए खड़े थे और यीशु मसीह का जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, उसके बाद लिखा हुआ वो जमीन पर झुक कर कुछ लिखने लगा। अब ये नहीं लिखा वहां पे क्या लिख रहा था। अब यहां पर लोग व्यर्थ विचार करते हैं। लोगों का मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम लोगों से लगभग सबके मुंह से यही सुना, यीशु मसीह उनके पाप लिख रहा था। नहीं, हम इस बात से अग्री इसलिए नहीं करते हैं, जो पाप से अज्ञात था, हु न्यू नो सिन, जो पाप को जानता तक नहीं था, तो वो लिख कैसे सकता? He has the knowledge of law. यीशु मसीह के पास लॉ की नॉलेज थी, सिन की नॉलेज नहीं थी। यीशु मसीह वहां पर झुक कर क्या लिख रहा था? Jesus used the law lawfully. और आप व्यवस्था में जाके देखिए कि जब इस तरीके का व्याभिचार का केस होता है तो वहां लॉ में लिखा है कि जब एन वक्त पर कोई व्याभिचार में पकड़ा जाए तो व्याभिचार अकेला व्यक्ति नहीं करता, एक स्त्री एक पुरुष मिलकर करते हैं। तो एक क्यों गया, दूसरा कहां था, कौन माइनस था? फीमेल तो पकड़ रहा, मेल कहां? और लॉ में क्या लिखा हुआ मालूम, उन दोनों को खड़ा करके पकड़वा कर। और उसने जब लॉ लिखा उसने उनको आईना दिखा दिया, लॉ इज अ मिरर, उसने आईना दिखा दिया था, जमीन पर ही आईना दिखा दिया था। उसने लॉ लिखा और लॉ लिखकर उन लोगों ने लॉ देखा, वो अनलॉफुल था कि तुम एक को लाए हो, पार्टनर कहाँ है? इसलिए वो सब चले गए, वो इतने हल्के वाले लोग नहीं थे। और यीशु मसीह ने फिर उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं चला? उसने कहा नहीं। उसने कहा जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, आइंदा से पाप ना करना। यहां से शुरू होती है नए नियम की कहानी। ये क्या गारंटी है कि वो आगे को पाप नहीं करेगी? उस स्त्री को ये मालूम हो गया कि यीशु मसीह ने अभी तो बचा लिया, नेक्स्ट टाइम यीशु मसीह नहीं मिला तो बचूंगी हमें। और आपको यहीं पर जाके देखना चाहिए कि आज यीशु मसीह ने आपको, आपने उस पर विश्वास किया, उसने आपको निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन अभी आपके स्वभाव में पाप है। आप आगे को पाप नहीं करेंगे, इसकी गारंटी क्या है? कोई है गारंटी? यहीं से नया नियम शुरू होता है, यहीं से नया नियम शुरू होता है कि when anyone believe in Jesus Christ, he is justified by faith. वो justified का मतलब होता है यीशु मसीह के बिहाफ उसको माफी मिल जाती है, on behalf of Jesus Christ। इस तरीके से देखिए तो यीशु मसीह हमको, यानी क्या बोलते हैं, आप जेल में जाते हैं तो जब कोई व्यक्ति बंद हो जाता है, पकड़ा जाता है, दोषी आरोपी बनता है और जेल भेजा जाता है, उसके बाद एक प्रोविजन है, जमानत, बेल। जब कोई यानी इम्पोर्टेंट पर्सन, जिम्मेदार व्यक्ति उसकी जमानत लेता है तो वो जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद क्या गारंटी है
कि वो सही रहेगा, दोबारा कांड किया फिर जेल गया, तो जिसने जमानत ली वो क्या करेगा? जमानती पकड़ा जाएगा। तो जमानत वहां पर भी एक प्रोविजन दिया गया है कि वो तुरंत अपनी जमानत कैंसिल कर, विड्रॉ कर लेगा, अब मैं नहीं लेता इसकी जमानत। यीशु मसीह पर विश्वास करते ही हम आरोपी हैं, हमको सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये छुटकारा मिला है कि अब यीशु मसीह कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में साबित करके दिखाओ कि तुम सही हो, और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, पापों की क्षमा एंड होली स्पिरिट, यानी पिछले सब तुम्हारे ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट माफी, सारे पापों की माफी हो गई, और पवित्र आत्मा इसलिए कि आइंदा तुमने किया तो जिम्मेदार तुम, है ना, गारंटी ली है उसने, उसने हमारी जमानत ली है, और जमानत पे हमको छुटकारा मिला है। तो मसीह ने आके जो आपको जो उद्धार जिसे हम कहते हैं वो छुटकारा जो आपको मिल रहा है, फर्स्ट स्टेप वो जमानत पे छूट रहा है। अब वो हमको कहता है, पवित्र आत्मा हमको कन्विक्ट करता है, कन्विक्ट करता है और कन्विंस करता है, ये इंटरनल वर्क है, और ये इंटरनल वर्क अगर नहीं हुआ आपकी जिंदगी में और आपने मसीह में जड़ नहीं पकड़ी, तो उसके बाद जो न्याय होने वाला है, या तो आप फिजिकल लाइफ मसीह में जिएंगे या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, ये दो रास्ते हैं, और इन्हीं दोनों का न्याय होना है, भेड़ को बकरी से अलग किया जाएगा। तो वर्ल्ड के लोग तो यहाँ पे आके मसीह में कॉमन हो गए, सब विश्वासी हो गए, लेकिन इसके बाद जो न्याय है वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी को हम लोग पार्ट पार्ट करके देख रहे हैं, यार पहला पार्ट है, इसके लिए रोमियो की पत्री 3:21-26 पर पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। इसकी गवाही व्यवस्था भी दे रही है इस धार्मिकता की जो मसीह के द्वारा प्रकट हुई है। जी अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास का, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में यानी विदाउट एनी वर्क, बिना किसी धर्म के काम के किए हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जी उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जी हो गया, इसके बाद इंग्लिश में पढ़िए भी सीखो। But now the righteousness of God has been revealed independently and altogether apart from the law although actually it is attested by the law and the prophet यानी ओल्ड टेस्टमेंट। जी namely the righteousness of God which comes by believing with personal trust and confident reliance on Jesus Christ the Messiah and it meant
and it is meant for all who believe. For all who believe. For there is no distinction. For there is no distinction. Since all have sinned. And are falling short. Of the honor and glory. Which God bestows. And receives. All are justified. And made upright. And in right standing with God. Freely and graduously. By His grace. His unmerited favor. And mercy. Through the redemption. Which is provided. In Christ Jesus. Whom God put forward. Before the eyes of all. As a mercy seat. And propitiation. By His blood. The cleansing and life-giving sacrifice. Of atonement and reconciliation. To be received. Through faith. This was to show God's righteousness. Because in His divine forbearance. He had passed over. And ignored. Former sins. Without punishment. It was to demonstrate. And prove at the present time. In the now season. That he himself is righteous and that he justified and accepts as righteous him who has through faith in Jesus जो मसीह में सच्चा विश्वास करता है उसको वो धर्मी ठहराए. थैंक यू जीसस. परमपिता परमेश्वर, हम आपके इस कार्य के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए किया, बिना भेदभाव के किया, बिना किसी भेदभाव के. प्रभु, आपने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, और चाहे कोई क्यों ना हो, किसी भी देश का रहने वाला हो. आपने अपने पुत्र को सबके लिए बलिदान किया, सबको अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया. आपने सबको माफ करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया. सबको पवित्र आत्मा देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, ताकि जो कोई वास्तव में उसको ग्रहण करे, उस पर विश्वास करे, वो केवल उद्धार ना पाए बल्कि अनंत जीवन का वारिस बन जाए और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के तो सदृश हो, ताकि आपका नाम उसके जीवन से मिलना पाए. इसलिए धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का आशीष.